नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। जो भी म्यूचुअल फंड का लोग वीडियो देखते हैं, इसमें दो तरह के लोग होंगे। पहला जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, और दूसरा जो म्यूचुअल फंड में अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है। तो जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनको छोटा छोटा जो है क्वेरी नहीं रहता है, उनको पता चल जाता है कि म्यूचुअल फंड में क्या है और क्या नहीं है। लेकिन जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड नहीं है, उनका क्वेश्चन छोटा छोटा इस तरह से होता है कि जो इन्वेस्ट किए हैं वो सुन के हंस देंगे। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि मैंने आपका SBI म्यूचुअल फंड पे एक वीडियो देखा, पर मैं SBI म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता हूँ, पर मेरा SBI में अकाउंट नहीं है, तो क्या मैं खरीद सकता हूँ? मेरा अकाउंट PNB में है। दूसरे इन्वेस्टर बोलते हैं कि मैं आपका ICICI म्यूचुअल फंड पे एक SIP का वीडियो देखा था, लेकिन मेरे पास ICICI में अकाउंट नहीं है, तो क्या मैं ICICI का म्यूचुअल फंड खरीद सकता हूँ? ठीक उसी तरह HDFC म्यूचुअल फंड अगर खरीदना है, तो क्या HDFC बैंक में अकाउंट होना जरूरी है? एक बात जान लीजिए, म्यूचुअल फंड को चाहिए पैसा। वो पैसा कहाँ पे है इससे मतलब नहीं है। हर हाल में म्यूचुअल फंड को चाहिए पैसा। आपका अकाउंट कहीं भी हो, उनको चाहिए पैसा। और म्यूचुअल फंड का कितना कंपनी है? लगभग 44 से 45 कंपनी है। उन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, किस अकाउंट से करेंगे, ये म्यूचुअल फंड कंपनी को मतलब नहीं है। आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है, आप HDFC म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, ICICI खरीदना चाहते हैं, कोटक खरीदना चाहते हैं, आपका अकाउंट यस बैंक में है, देना बैंक में है, पर आप कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। अकाउंट किस में है इससे कोई मतलब नहीं है। उस अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि कितना पैसा होना चाहिए? मिनिमम 100 रुपया से लेके कोई लिमिट नहीं है म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का छोटा छोटा डाउट होता है। अब एक आदमी कह दे कि मैं बहुत गरीब हूं, तो क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं? यकीन नहीं मानेंगे, मुझे एक भिखारी बॉम्बे से फोन किए कि आपका लगभग सारा वीडियो देख लिया, मैं 500 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ? और उन्होंने कर दिया। तो ये कहना कि मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं बौना हूँ, मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, कोई भी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब कैटेगरी मायने नहीं रखता है। फिर यहाँ पे अल्टीमेट कैटेगरी के एक लोग आते हैं और बोलते हैं कि मैं चोर हूँ, तो क्या म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ? मैं बोलता हूँ, अगर चोर भी हैं, चोरी भी करते हैं, तो मेहनत तो करते हैं ना। वहाँ से 7,500 रुपये पर मंथ बचाइए, और ऐसा बचाते बचाते 15 साल बिता दीजिए, और उस पैसे को SIP में, मिड कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते रहिए। और यदि आपको 15% का रिटर्न मिलता है, पोर्टफोलियो 15% का रिटर्न जनरेट करता है, तो आपके पास 50 लाख का एसेट हो जाता है। जिस दिन 50 लाख का एसेट हो जाएगा ना, आप कहेंगे कि नहीं करना है चोरी, जब इतना पैसा हो ही गया तो चोरी क्यों करना है। इसके लिए एक चीज छोड़ना पड़ेगा, वो लालच। लालच वर्ड छोड़ दीजिए। आप अगर SIP म्यूचुअल फंड करते हैं ना, तो आज डिसाइड कर लीजिए कि कितना पैसा चाहिए। उस पैसे को अचीव करने के बाद ये मन में प्रण कर लीजिए कि गलत काम नहीं करूंगा। छोटा मोटा गलत काम सब लोग करते हैं, पैसा पाने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए सब करते हैं, पर वो अचीवमेंट हो जाने के बाद वो लालच हटा दीजिए, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं है। 100 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 50,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, कितना? ये तो मोगेम्बो भी खेल रहा है कि उसको तो मनी नहीं भर रहा है, तो सबको वो क्या कर रहे हैं समझ में आ ही रहा है। तो एक लालच को सेट कर देना है कि इतने के बाद गलत काम नहीं करूंगा, समाज में जो भी गलत काम करता हूं वो नहीं करूंगा। तो SIP करते 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 15 साल बीत जाएगा, तो अच्छा इंसान भी बन जाएंगे, पोर्टफोलियो पैसा तो हो ही जाएगा। अच्छा इंसान बनना जरूरी है। मेरे काफ़ी सारे नॉन लोग हैं जो कहते हैं कि इधर उधर से पैसा मुझे आता है, इधर उधर से पैसा ला के SIP करते करते जब 10-12 साल बीत गया, और कहते हैं, मैं बाद में फ़ोन करता हूँ कि पूछता हूँ कि अब इधर उधर से पैसा आ रहा है क्या, तो बोलता है, भाई ज़रूरत ही नहीं है। अब तुमने ऐसा फंडा समझा दिया है, ऐसा मैथमेटिक्स समझ में आ चुका है कि म्यूचुअल फंड करते 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 जब 4-5 करोड़ हो ही जाएगा, तो फिर गलत काम करने का जरूरत क्या है? जो भी इधर उधर से पैसा आता था, अब बोला बंद कर दो भाई, अब नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल इलीगल काम, अनसोशल काम करना ही नहीं है, जो भी होना था हो गया, अब हम अच्छा इंसान बन गए हैं। तो उन सब जगह से जो पैसा कभी आता था, अब नहीं आता है। तो इस तरह से आप SIP करते रहेंगे, तो एक समय एक ऐसा आएगा ना कि अब लगेगा भाई निर्वाण की प्राप्ति हो गई है, अब कुछ गलत काम नहीं करना है। तो वो जितना जल्दी हो जाए जिंदगी में उतना अच्छा है। जो नहीं करते हैं वो अच्छा है ही, पर कितने लोग गलत काम करते हैं वो सबको पता ही है। आज के दौर में गलत काम ये है कि आप अगर गंजे को भी कंघा बेच दिए ना, तो गलत काम ही है। जिनको जरूरत नहीं है जिन चीज का, वो चीज आप उनको सेल कर दिए, तो वो गलत काम ही है, समाज में अनसोशल काम ही है। तो उन सब अनसोशल काम को आप छोड़ सकते हैं जब आपको ये पता चल जाए कि जिंदगी में 4-5 करोड़, 2 करोड़ हो ही सकता है, धीरे धीरे करते करते 15 साल 16 साल में हो ही सकता है। तो सारी कुरीति
चुनौतियों को आप छोड़ देंगे। बाकी आप म्यूचुअल फंड में ये देखना चाहते हैं कि पूरे देश से कितने लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना इन्वेस्ट किया है, तो ये डाटा ये है कि टोटल 37 लाख करोड़ लगभग हमारे देशवासियों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। और फोलियो अगर देखते हैं तो लगभग 10 करोड़ फोलियो जनरेट हुआ है। यदि आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका भी फोलियो इसमें काउंट होगा, और नहीं किया है अगर करते हैं तो इसमें प्लस वन फोलियो जुड़ जाएगा, और जितना भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे इस 37 लाख करोड़ में वो आपका पैसा भी जुड़ जाएगा। आपको अगर म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा नहीं समझ में आता है ना, और डाटा समझना है कि क्या है, तो star sip.in के वेबसाइट पे अगर जाते हैं, यहाँ पे एक रिकॉर्ड चेक करते हैं। साधारण आदमी को जो कुछ भी समझ में नहीं आता है, लेकिन पैसा तो सबके पास है ही, SBI मिड कैप में 12 लाख रुपया अगर 10 साल पहले लगाया था तो 10 साल के बाद इतना पैसा लगभग सबके पास होता है। आते ही क्या करते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं, रजिस्ट्री कर देते हैं, तो वो पैसा और कहीं ना होके SBI मिड कैप में होता, जो SBI मिड कैप में 7400 करोड़ देशवासियों ने पैसा लगाया है। टोटल पैसा यहाँ पे इन्वेस्टेड है 7400 करोड़। यहाँ पे किसी ने 12 लाख रुपए लगाया 10 साल पहले, 10 साल के बाद उसके पैसे का वैल्यू है 80 से 81 लाख रुपया लगभग। परसेंटेज रिटर्न चेक करेंगे पिछले 10 साल में 21% का एवरेज रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। 21 मतलब 21 एवरेज 10 साल में दिया है। कभी 21 दिया, कभी -10 दिया, कभी 15 दिया, कभी -20 दिया, लेकिन एवरेज देखेंगे तो 21% का एनुअल कंपाउंडिंग रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके आप SIP करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन SIP करना चाहते हैं तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो अपने ऑफिस में वेलफेयर मीटिंग में हमसे फाइनेंशियल प्लानिंग का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप पे इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।